यहाँ विराजमान प्रत्येक महानुभाव से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक प्रीति और समृति चिन्ह हम आपको देंगे, प्लीज आप 15-20 मिनट का सहयोग हमें दें यहाँ रह करके। आदरणीय समर विजय सिंह जी हमारे बीच में हैं, संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, मेरे बड़े भाई मनोज नांगली जी, मेरे अधिवक्ता भाई बिश्नोई जी हाईकोर्ट से, और सभी जो बुजुर्ग यहाँ पर नौजवान साथी और जो अध्यापक यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आप सभी को मैं बताऊं, ये जो मिशन का नाम है फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर राइट माने अधिकार के लिए लड़ाई, और यहाँ पे इसका नाम यह भी है सत्य के लिए लड़ाई। यह सही मायने में बिल्कुल सही नाम रखा है इन्होंने मिशन का, क्योंकि इस मिशन को इन्होंने 2016 में शुरू करते हुए 2021 तक लड़े, और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेदपाल जी और हरदीप जी हैं, यह खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, यह लड़ाई लड़ रहे थे औरों के लिए, और दूसरे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई लड़ना काबिले तारीफ है। मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास ये केस आया था, मैंने ऑर्डर देखे और मैं भी बहुत निश्चिंत था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से हमें बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, तो जो एसएलपी के अंदर तथ्य उन्होंने डाले थे वो तथ्य गलत थे। उन्होंने यह लिखा था कि वेटिंग लिस्ट इसके अंदर पहले ही जारी हो चुकी है। सो कोर्ट ने कहा, जब वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, इसका काम तो 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, और इस कारण से उन्होंने स्टे कर दिया कंटेम्प्ट का। लेकिन तथ्य यह था कि वो वेटिंग लिस्ट नहीं थी, वो रीशफल्ड लिस्ट थी, माने पहली लिस्ट थी वो। तो कोर्ट को हमने हमारे काउंटर एफिडेविट से यह बताया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत तथ्य के आधार पर आपको पहले दिन ये बोला है कि यह वेटिंग लिस्ट है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर सरकार का ही डबल एजी अपियर हुआ था, जिसने 2018 में यह कहा था कि ये जो लिस्ट है ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, वेटिंग लिस्ट अभी आएगी, और उसी आधार पे बिश्नोई जी ने केस डाला था कि वेटिंग लिस्ट तो जारी करो, जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई नहीं थी। और हाई कोर्ट ने यहां से जिताया इन्होंने केस, सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखे गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आपको बताता हूं, अगर सरकार एसएलपी वापस नहीं भी लेती तो भी आप निश्चित तौर पे केस जीतते, क्योंकि यहां गलत आधार पे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करी गई थी। आप सभी अध्यापकों जिनको यहाँ सरकारी नौकरी मिली है, इस लड़ाई के बाद मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और मैं आपको एक चीज जरूर कहता हूँ कि जो अध्यापक हैं वो ऐसे चीज हैं, ऐसे महानुभाव हैं, जो सबसे ज्यादा तो इज्जत पाते हैं और सबसे ज्यादा गाली खाते हैं। अगर आप पढ़ाओगे तो जिंदगी भर वो बच्चा, वो जो कहीं पर भी जाएगा, किसी भी नौकरी में जाएगा, वो बताएगा मेरे को उस अध्यापक ने पढ़ाया था। लेकिन अगर वो अपने जिंदगी में फेल हुआ, वो सिर्फ यही कहेगा कि उन अध्यापकों ने हमें पढ़ाया नहीं, इस कारण हम फेल हो गए। सो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अध्यापक की भूमिका इस देश को बनाने में बहुत बड़ी है, इसलिए आप सभी जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, और हम सबको, हमारा देश, हमारा राज्य आगे बहुत बढ़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वेदपाल जी का और हरदीप जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया सुप्रीम कोर्ट में। मैं इनसे और भी केस में जुड़ा हुआ था, मैं इनको जो ये झूठा फर्जी 307 वाला केस था, वो भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, उससे भी जुड़ा हुआ था। और मैं आशा करता हूँ जब भी किसी वंचित परिवार का, वंचित बच्चे का केस कभी भी मेरे पास लेके आएंगे, मैं हमेशा इनका साथ दूंगा, और जो मेरे से हो सकेगा हमेशा करूंगा। आप सभी से मेरी विनती है, कभी भी मेरी आपको जरूरत हो, चाहे फीस हो या ना हो, कभी भी आप अपने अधिकार के लिए हमारे पास आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एडवोकेट समर विजय सिंह जी ने अंतिम बिंदु वो बोल दिया कि चाहे आपके पास फीस हो या नहीं हो, आपके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है जो संघ महासंघ वाले आपको बोलते थे कि कपिल सिब्बल जी को कर लेना, 10 लाख रुपए पर पेशी लगेंगे। इसका मतलब हम सही व्यक्तियों की संगति में थे और सही रास्ते पे थे। मैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, हमारे अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के
जब भी उनसे संपर्क हो रहा है उसी समय, उससे पहले मैं आदरणीय हरलाल जी को संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, फिर आदरणीय न्यांगली जी तैयार रहे।